बेतिया में एम्बुलेंस के अभाव में एक मरीज को ठेला पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। मामला नरकटियागंज अनुमंडल का है। मरीज के परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने के बाद पीएचसी प्रभारी को फोन किया गया, लेकिन उनका नंबर बंद पड़ा था। इसके बाद एसडीएम से बात होने पर एक नंबर दिया गया, जिस पर आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचने की बात कही गई, लेकिन मरीज की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे परिजन एक ठेला पर लादकर अस्पताल निकल पड़े। देख सकते हैं ये मरीज की हालत। अभी तक एम्बुलेंस कोई भी आने की संभावना 45 मिनट का समय दिया गया था। देखिए ये हालत, अभी तक कोई एम्बुलेंस का कोई था पता नहीं है। खराब हुई थी तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पीएससी प्रभारी को फोन लगाया, उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्ड बताया। तो फिर मैंने एसडीएम साहिबा प्रशिक्षु पदाधिकारी साहिला हीर मैम को फोन लगाया, तो उन्होंने मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर दिया। मैंने कंट्रोल रूम में बात किया तो उन लोगों का जवाब जो था बहुत सही तरीके से नहीं, तो वो बोल रहे थे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ स्टेज पेशेंट की क्रिटिकल और आप लोग 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आनन फानन में हम लोगों ने ठेला पे लेके आना मुनासिब समझा। जान है तो जहान है। क्या स्थिति अभी, क्या नाम है पेशेंट? अभी तो डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट की जांच की जा रही है। स्थिति तो अभी